हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए ही हम सब सेवा भाव से दिन रात एक कर रहे हैं। 10 वर्षों में हमने जो हासिल किया साथियों, वो तो एक पड़ाव मात्र है। मंजिल तक पहुंचने का एक नया विश्वास है। अभी हमें देश के लिए, कोटि कोटि भारतीयों के लिए, हर भारतीय का जीवन को बदलने के लिए बहुत कुछ हासिल करने का सपने है, संकल्प है, और उसके लिए बहुत से निर्णय भी बाकी है। साथियों, आज भाजपा युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान की शक्ति को विकसित भारत के निर्माण की शक्ति बना रहा है। पहले लोगों को लगता था कि सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। हमने सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय की भावना से हर व्यवस्था को पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच से बाहर निकाला। जिनको किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूछा है। इतना ही नहीं, हमने उसको पूजा है। आदिवासियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों को पहले किसी ने नहीं पूछा, हमने उनके लिए पीएम जनमन योजना बनाई। लाखों विश्वकर्मा परिवारों को किसी ने नहीं पूछा, हमने उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई। रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले लाखों साथियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, हमने उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई। साथियों, पहले की सरकारों ने महिलाओं के हितों की, उनके जीवन में आ रही परेशानियों की भी कभी चिंता नहीं की। हमारे यहां बेटियों को गर्भ में ही मार डालने की कितनी विराट समस्या थी। हमने इसके लिए सामाजिक चेतना, साथ साथ कड़े कानून दोनों का सहारा लिया। पहली बार देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक जन आंदोलन चला, जिसका एक बहुत ही सार्थक प्रभाव हुआ। हमने बालिकाओं के, महिलाओं के पोषण पर विशेष बल दिया। हमने पोषण अभियान चलाया ताकि गर्भवती महिलाओं को उचित मदद मिल सके।
स्वस्थ महिला ही स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है। गर्भ के समय महिलाओं को उचित पोषण मिले, इसके लिए मातृवंदना योजना के तहत 3.25 करोड़ से अधिक बहनों को सीधी मदद दी। हमने सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत लगभग 5 करोड़ गर्भवती महिलाओं को हेल्थ चेकअप किया। प्रयास यही था कि माता और शिशु दोनों के जीवन पर पहले जो खतरे रहते थे उन्हें कम किया जा सके। 2014 से पहले महिला सुरक्षा को लेकर कितनी चिंताएं होती थी, हर कोई चिंतित रहता था। हमने रैप, बलात्कार ऐसे अपराधों को, संगीन अपराधों में फांसी की सजा सुनिश्चित की। ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा हो इसके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं बनाई। साथियों, मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने शौचालय जैसे विषय को लाल किले से उठाया। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों पर लाल किले से नाराजगी व्यक्त की थी। नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। मुझे गर्व है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया। हमने 4 करोड़ घर बनवाए जिनमें 3 करोड़ से ज्यादा घर महिलाओं के नाम रजिस्टर हुए। हमने महिलाओं के नाम 3 करोड़ से ज्यादा घर रजिस्टर करवाकर उनको घर की मालकिन बनाया। हमने 10 करोड़ परिवारों की बहनों को पहली बार नल से जल दिया। हमने 12 करोड़ परिवारों की बहनों को टॉयलेट दिया, और टॉयलेट वो 4 दीवारी नहीं है, इज्जत घर है। हमने 1 रुपये में सुविधा सैनिटरी पैड्स की योजना शुरू की। हमने 25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले। हमने 30 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन महिला लाभार्थियों को दिए। साथियों, बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, बेटियों को नौकरी करने में आसानी हो इसके लिए हमने अनेक कदम उठाए। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप से 10 करोड़ बहनों को जोड़ा। हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया। खादी को जो फिर से नया जीवन मिला है उसका फायदा भी सबसे अधिक गांव की बहनों को ही हुआ है। हमने प्रेगनेंसी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। पहले फैक्ट्रियों में या दूसरी जगहों पर महिलाओं को नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए अनेक अड़चनें थी। हमने श्रम कानूनों में सुधार करके उनको भी दूर किया। हमने पैरामिलिट्री फोर्सेज में महिलाओं की भर्ती 2 गुने से अधिक की। हमने सेनाओं के अग्रणी मोर्चों में महिलाओं की तैनाती को सुनिश्चित किया। हमने सैनिक स्कूलों और मिलिट्री एकेडमी के दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिए। साथियों, इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ भारत की नारी शक्ति से पूरे देश को प्रेरणा दे रहा था। साथियों, आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं। मिशन शक्ति से देश में नारी शक्ति की सुरक्षा और सशक्तिकरण का संपूर्ण इकोसिस्टम बनेगा। अब 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन मिलेंगे। ड्रोन दीदी खेती में वैज्ञानिकता और आधुनिकता लाएगी। अब देश में 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना से परंपरागत कला और शिल्प से जुड़ी बहनें सशक्त होगी। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बेटियों को शिक्षा और स्किल के मामले में सबसे अधिक फायदा होगा। गांव के पास ही बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बने, बेटियां हमारी स्पोर्ट्स में कमाल करेगी। साथियों, आज जब मैं बीते 10 वर्षों की तरफ नजर डालता हूं तो कितना ही कुछ याद आता है। ये 10 वर्ष
साहसिक फैसलों दूरगामी निर्णयों के नाम है। जो काम सदियों से लटके थे हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। गुजरात